जिला व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक एडीएम प्रशासन चतुर्भुज गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, व्यापारी नेता रमेश गुप्ता सहित अन्य व्यापारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई, जिसमें पार्किंग, अतिक्रमण, व्यापारियों की सुरक्षा मुख्य बिंदु रहे, जिस पर एडीएम प्रशासन ने उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि आपसी सामंजस्य बैठाकर समस्याओं का समाधान किया जाए। लगा लेते हैं, उनके पास तीन तीन चार चार लोग फेरी वाले हैं, तो फिर पात्र लगाते हैं वो। तो अगर सराफा व्यवसायियों का अगर एक शटर का ताला तोड़ के अंदर घुस जाए और उसके माल लेकर बैठे हुए हैं, वो अंदर काम हो रहा है, चोरी हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कहीं अन्यंत्र जो है लगाया जाए, उसकी व्यवस्था बनाई जाए। फसल से धोखा हो सकता है, वो धोखा हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर एक दुकान में अगर घुस करके जो है निकालेंगे तो समझ लीजिए 50 लाख का माल चला जाएगा और ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, वो साइकिल में रख लिया, तो ठीक शटर पर जो है, शटर के ऊपर ही रख करके जो है माल बेचते हैं। ताला छुपा चला, ताला छुपा रहता है और ताला खुला, उसके बाद अंदर अगर घुस गया आदमी और उसमें साफ कर दिया पूरा, तो पता नहीं चलेगा। इसका निदान कैसे है बताएं? निदान यही है कि मतलब जो है कि वहाँ से जो वहाँ लगा रहे हैं फुटपाथ पर, मंगलवार को यह हाल है कि यदि आग भी लग जाए तो दमकल नहीं जा सकता, यानी इतना जबरदस्त चीज समझ लीजिए कि वहाँ लोग एक निकल नहीं सकते साइकिल वाला मैटर है, छोड़ दिया गया और पीछे हो गया इसके पहले नहीं। पंकज गोयल ने जो घंटा घर से देखी पांच के ऊपर पांच के ऊपर का मुद्दा होगा भी तो पीछे होगा, इसमें नहीं था। नहीं इसी के ऊपर, पांच के ऊपर, पांच के ऊपर ही है वो। अच्छा, ये चौथा लंबा चौथी एक चर्चा ये हुआ था कि मंगलवार के दिन घंटा पुलिस को नहीं चले हैं, वहाँ भी मैदान है इतना बड़ा। मैं बताना चाहूँगा इसमें, मैं व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ में देखता हूँ, हर महीने ये मीटिंग मेरी अध्यक्षता में होती है। इस महीने 19 तारीख को मीटिंग मैंने किया, उसके बाद दो व्यापारी बंधुओं के साथ जो इनके स्थान है वहाँ गया भी मैं, और ये जो जानकारी मिली है विगत चार साल की ये समस्या है, 4 साल से वहाँ बाजार लग रहे हैं जी जी, और उसके लिए काफ़ी सीओ साहब भी आ गए थे, इंस्पेक्टर राजघाट भी आ गए थे, सचिव कोतवाली को भी बताया था, लेकिन वो नहीं है, उनके चौक प्रभारी आ गए थे, उस दिन जुलूस निकल रहा था रविदास जयंती की, तो काफ़ी संख्या में हम लोग वहाँ उपस्थित भी थे, और ये इतना आसान भी नहीं रहा कि मतलब इसमें है कि सभी लोग सब मिलजुल करके, जो मैंने बताया जो मुझे समझ में आया कि नगर निगम के लोग भी रहे, मजिस्ट्रेट से भी लोग रहे और ये पुलिस से भी लोग रहे, और उसका एक उचित निस्तारण भी अगर कहीं प्लेसमेंट वाली बात है, अगर वहाँ से चूँकि 4 साल से वहाँ रोजगार अपना मंगलवार करते चले आ रहे हैं, तो अगर ये कुछ जबरदस्ती किया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो संभावी है। तो मेरे ख्याल जो मेरा ऑब्जर्वेशन था मैंने बताया कि अरे सर उसने वसूली भी कर रहा है, प्रतापपुर का व्यक्ति जो है, जब व्यापारियों ने विरोध किया तो वो भगा। उनको पत्रक दे दिया जाए कि आप असले बाजार वहाँ लगाएंगे, एक बार दो बार तीन बार करने के बाद घंटा में था वहाँ पर, तो कहीं कहीं उनकी व्यवस्था बन रही है, ठीक इनको भी हटा लेते शहर के लोग रहे व्यापारी नहीं, जैसे पहले हम अपना स्थान चयनित कर लें। नहीं, उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो फुटपाथ पर अपना बिक्री कर रहे हैं वो भी रहे हैं, जो स्वर्ण व्यवसायी वहाँ के, उनको माइक से अनाउंस किया जाए कि आपको यह स्थान दे दिया गया, अगले मंगल को आप वहाँ लगाओ। हाँ, तो पहले स्थान तय करें, तब उसके बाद उस बात को अनाउंस करें। स्थान तय कर लें, बैठक करके सबक रूप से देखना पड़ता है। आप यदि उनको बुलाएंगे तो कहेंगे नहीं हम जो है हमको ठीक है, सूचना देने जा।